इस वक्त एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है जो सरप्राइज फाइट का चैंपियनशिप फाइट है। वो महान योद्धा सही मायनों में जो लेजेंड किलिमंजारो। एक नजर किलिमंजारो की आंखों में, देखा किस तरफ मेरी तरफ देख रहा है। इसके साथ में कभी मजाक नहीं करता। एक इंडियन फाइटर की आहुतियां दे चुकी शख्स के सामने अब आ रहे हैं जो ई लेजेंड। जो ई लेजेंड बहुत बड़ा है ये। उफ, क्या मुकाबला शुरू होने जा रहा है दोस्तों, क्या मुकाबला शुरू होने जा रहा है। 6 फुट 6 इंच किलिमंजारो की हाइट, और अगर उसकी आंखों में आंखें डालकर ये शख्स जो लेजेंड देख सकता है तो सोचिए, वो भी 6-5 के करीब होगा ही। अच्छा, हाथ बढ़ाकर खेले मंजारों को सिर्फ लड़ना अच्छाई के लिए, इसके लिए ये अरीना ये रिंग वो जगह नहीं। किसी फेंक दिया उसे, जो लेजेंड को शायद इस बात का एहसास नहीं कि वो किससे लड़ रहा है। दोनों जकड़ में, फिर एक बार दोस्तों ये सरप्राइज फाइट कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग हो रही है मेरे लिए। जा किलिमंजारो की बार जो लेजेंड को पूरी तरह से दर्द पहुंचा रहा है। जो लेजेंड को कुछ और तरकीबें सोचनी पड़ेंगी अगर वो किलिमंजारो को सीरियसली चोट पहुंचाना चाहता है। अब बोल रहे कि मैं उसे खत्म कर दूंगा, ये किलिमंजारो का फिनिशिंग मूव होगा। ऊपर चढ़ रहे हैं रस्सी पर, देखिए शेर की तरह पेड़ पर बैठे हुए हैं, आप उसे देख रहे शिकार के लिए, और ये हट गए। तीनों की इतने भी हवा में इतने बावले हो जाते हैं मिड एयर में कि लैंडिंग तक भी हिसाब किताब ही नहीं। अब वो चढ़ रहे हैं लगभग 12 फीट, उसकी सर पर, और अभी भी किलिमंजारो आउट नहीं। अब किलिमंजारो इसका क्या करे। मैंने भी साउथ अफ्रीका में अरसे होगा पाव भाजी नहीं खाया, आज किलिमंजारो जो लेजेंड का जो हशर करेगा उससे मुझे सिर्फ कैशक टेटुआ पकड़ लिया उसका। अब तो टूट गया जो लेजेंड, चट्टी सहित टूट गया। भाई साहब, हमें वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप आगे बढ़ानी है, आपका सरप्राइज अब सरप्राइज नहीं रहा। टेटुआ पकड़ कर उठा रहे हैं जुल्फों वाले लेजेंड को, अब कंधों पर एक हाथ, फिर एक जोरदार लड्डू। अरे हमें मत देखा भाई, उधर देखो, शाबाश। किलिमंजारो क्या वाकई में टूट चुका है, वो क्यों नहीं लड़ रहा जो लेजेंड के खिलाफ। उसे खींचने नहीं दे रहे, यानी उनकी टांगों में अभी भी वो ताकत है, वो स्फूर्ति है, मसल कंट्रोल है जो अपने दुश्मन को, अरे वाह, उठा लिया है के बाद। ये आया उनका कोई किक, बूट इन द फेस, ये उसका फिनिशिंग मूव है।
जबड़े पर छूता, बूट इन द फेस। जिमी मंजारो को कोई रेफरी की जरूरत नहीं है अपनी हाथ ऊपर करने के लिए। बहुत गुस्सा है इसको, जब से चुनिया का अंत हुआ तब से यहाँ की जनता नफरत करती है इस शख्स से। हालांकि इसने कहा है कि वो मेरी गलती नहीं थी, लड़ाई में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ की जनता रेसलिंग बेहद पसंद करती है ये जनता, लेकिन किसी की जान ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरप्राइज का ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता दोस्तों।